हम शर्मिंदा नहीं है। इंसानों को कपड़ों पर नहीं तोला जाता। आज का मेरा देश कमालदार इतना फकीर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि वो अपना तारुफ करवाने के लिए 50 लाख की घड़ी लेता है, 6 लाख का जूता लेता है। आज की बेगम इतनी छोटी हो गई है कि अपने आप के अपने कद को बड़ा करने के लिए वो 10 लाख का हैंड बैग लेती है कि देखो मेरा बैग 10 लाख का है। अरे मेरी बहन, तू 10 टके की भी नहीं रही अगर तूने बैग से अपने आप को बड़ा बनाया। ओ मेरे दोस्त, तू 2 टके का नहीं है अगर तू 10 लाख के जूते और 50 लाख की घड़ी से अगर तू बड़ा बनना चाहता है। अरे इस धोखे से निकलो। ब्रांडेड 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 कहां जा रहे हो? जब तुम अपनी जात में बेकीमत हो तो रब्बे जुल जलाल की कसम, तुम्हारी घड़ियां, तुम्हारे बैग, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे बंगले तुम्हारी इज्जत को बढ़ा नहीं सकते। अब्बा जान, आज हम खुशी से बुलंद हैं कि हमारे बाप ने बद्यांती नहीं की। घर में तशरीफ लाए, कहने के फातिमा कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर खाने को चीजा। उस फातिमा रोने लगी, फरमाया मेरुल मोमिनीन खजाना तो भरा पड़ा है, 1 दिरम का भी तेरा हक नहीं है कि तू 1 दिरम लेके अंगूर खरीद ले। तो थोड़ा पुठे फातिमा, मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त। ओ मेरे भाइयों, जो दिन रात सूद में फंस चुके हो, जो दिन रात जुए शराब में फंस चुके हो, कैसे अल्लाह के सामने सुरखरू होकर खड़े हो गए? एक रात घर में तशरीफ लाए, बच्चियां बेटियां मुंह पे हाथ, कपड़ा रखो, दुपट्टा रखो मुंह पे और बात करें। आपने पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें, ये मुंह पे कपड़ा क्यों रखते हो? तो खामोश हो गई, लेकिन घर की खादमा रो पड़ी, कहा अमीरुल मोमिनीन, आज आपकी बेटियों ने कच्चा प्याज तोड़ के उससे रोटी खाई, साला ने खड़ी। और मेरे आज का ताजर कहता है, झूठ ना बोलूं तो कारोबार कैसे? मेरा अफसर कहता है, रिश्वत ना लूं तो गुजारा कैसे करूं? तो उमर बिन अब्दुल अजीज फिस पे हिचकियों के साथ रोए, कि मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता हूं पर मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाइयो, उस बंदे ने अपने आप को ज़बह कर दी, अल्लाह को राजी करने के लिए ज़बह कर दी अपने जात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को। अब अल्लाह ने सिला क्या दिया, जब इंतकाल हुआ होने लगा तो बुलाया राजा को, जो मैं बात पहले छोड़ के इधर उधर उनकी थोड़ी सीरत बताई कि राजा अब मैं मरने लगा हूं। अब्दुल मलिक काला हो गया था, वलीद काला हो गया था, सुलेमान काला हो गया था। ये क्यों काले हुए थे? ये बेनमाजी नहीं थे, बदकारी नहीं करते थे, किसी की तरफ इनकी मैली आंख नहीं उठी कभी, ये जालिम थे, जालिम जालिम, इंसानों का खून पिया, माल में खयानत की। इस पर अल्लाह ने चेहरे फेर दिए। आज उमर बिन अब्दुल अजीज जा रहा है, कहा देखो मैं जा रहा हूं, मुझे देखो मेरे साथ क्या होता है। इनका इंतकाल हुआ, इनकी मैयत कब्र के किनारे रखी गई और अब नीचे उतारना है। सुलेमान की मैयत को उतारने लगे तो हिलने लगा और अजाब कब्र पहले शुरू हो गया। उमर की मैयत को जब कब्र के करीब किया गया, ऐसे हवा का झोंका आया, एक पर्चा ऐसे लहराता हुआ यूं आया, यूं आया, यूं आया और उमर के सीने पर गिर गया। लोग कठे हो गए, पर्चे को खोल के देखा गया तो उस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बराअतुम मिन अल्लाह उमर अपने अब्दुल अजीज मिन अन्नार, ये परवाना है अल्लाह की तरफ से उसके बंदे उमर के लिए कि उसे जहन्नम से नजात की खुशखबरी सुना दी जाए। आहा, मरना हो तो यूं मरो,
अल्लाह ऐसी मौत दे दे। कहते हैं फिर मैंने उनको कब्र में उतारा, जब कब्र में उतारा तो क्या देखा, मैंने कफन की गिरा खोली तो चेहरा किबले की तरफ और यूं लगा जैसे 14वीं रात का चांद कब्र में उतर आया हो। और आखिरी बात करता हूं, मेरे भाइयों बहनों, अपने अल्लाह से सुलह कर।